हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग नंबर टू। मुझे पता है बहुत देर हो गई, क्योंकि जब से हम नैनीताल से आए हैं कुछ ना कुछ चल ही रहा। जिन लोगों को नहीं पता, लोगों को मैं बता दूं कि हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं। अभी भी बहुत सारा सामान लग रहा है, ठीक है। और जिसको नए घर में आना, जो नए घर आते हैं उन्हें पता होता है कि कभी प्लम्बर की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कारपेंटर की ज़रूरत पड़ जाती है। और अभी ना हमारे घर में पाइपलाइन नहीं शुरू हुई है, गैस पाइपलाइन, तो सिलेंडर वगैरह सब एडजस्टमेंट छोटे बच्चे के साथ उफ तवा बहुत मुश्किल है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे एक नए स्किन केयर चीज़ों को जो मैंने ख़रीदा है, वो है ब्रांड फॉक्सटेल। अब फॉक्सटेल इंस्टाग्राम पे आप कुछ भी स्क्रॉल करो, हर थोड़ी देर में फॉक्सटेल 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 आ जा रहा है। तो मैंने सोचा चलो व्हाई नॉट मैं भी ख़रीद के देखूँ ज़रा कैसा है। तो अभी कल अभी एक हफ्ते तक एक ऑफ़र चल रहा था, B2G4, मतलब बाय टू गेट फोर, और उसके साथ कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स, वो गिफ्ट प्रोडक्ट्स, सैम्पल प्रोडक्ट्स दे रहे थे। अब अगर मतलब आप ट्राई करो, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ख़रीदा था कुछ और सामान, तो वो B3G5 है। और मतलब तीन चीज़ें खरीदोगे, पांच चीज़ें मिलेंगी और साथ में कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स मिलेंगे और एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र भी मिल रहा है। तो मैंने भी वो भी ऑर्डर कर दिया है, तो कुछ डिस्काउंट भी हो गया और कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स भी हो गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या एक्चुअली ख़रीदा। जो सबसे पहले तो ना ये ख़रीदा मैंने, मल्टी विटामिन ग्लो टोनर है और मेकअप सेटिंग स्प्रे है, ठीक है। ये 150 ml है और ये खोला था ना, मैं खोल चुकी हूँ एक्चुअली। ये कलर देख के मुझे मतलब होता है ना लड़कियों को पिंक कलर वो देख के खुशी हो जाती है कि पिंक कलर का सामान है। और ये एक्चुअली मैंने आज ट्राई किया और मतलब मेरा मेकअप स्मज नहीं हुआ है ऑनेस्टली। और जो मेकअप स्प्रे की जो स्मेल आती है ना, जनरली आप अलग सी पेंट सी स्मेल होती है मेकअप सेटिंग स्प्रेस की, वो इसकी फ्रेग्रेंस नहीं है। इसकी फ्रेग्रेंस नॉर्मल डिसेंट सी फ्रेग्रेंस है। तो मैंने ट्राई किया, देखो इसमें विटामिन सी है, इसमें प्रो विटामिन B5 है और नियासिनमाइड है। तो मैं भी आज ही ट्राई किया, तो मैं कोई ऐसा रिव्यू दे दूं और मतलब उसके बाद बोलो भैया कैसा प्रोडक्ट तुमने बताया, तो मैं ऐसा कोई रिव्यू नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा। उसके अलावा मैंने ख़रीदा ये आई जेल। डार्क स्पॉट्स अगर आप देखो तो मेरे डार्क स्पॉट्स एक्चुअली में बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मेरे डार्क स्पॉट्स एक्चुअली में बढ़ गए हैं। तो मैंने ये ख़रीदा था। और अब आपको एक्चुअली एक आई जेल चाहिए होता है, स्ट्रेस इतना है, डार्क सर्कल्स हल्के फुल्के जनरली हो ही जाते हैं। तो ये आया है 20 ml और पिंक, हर चीज़ पिंक कलर की भेज के पता नहीं क्यों भेज देते हैं। इसमें है पेप्टाइड्स, एल्गे एक्सट्रैक्ट्स और प्रो विटामिन B5। और मैं ये ट्राई करूँगी और मैं बताऊँगी इसके रिव्यूज़ कैसे हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने ख़रीदी है वो है ये ओवरनाइट ग्लो मास्क, जो आज मैं रात को लगा के सोने वाली हूँ, ठीक है। इससे इसमें लिखा है रिवील्स ग्लोइंग स्किन, इवन स्किन टोन एंड टेक्सचर। और मैं जो मैंने नया ऑर्डर प्लेस किया ना, उसमें मैंने ये दोबारा ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा था, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी। मुझे ना मेकअप सेटिंग स्प्रेस के साथ ये प्रॉब्लम रखती है, क्योंकि फ्रेग्रेंस बहुत हार्श होती है और बिल्कुल जैसे पेंट की स्मेल जैसे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये है जो है ओवरनाइट ग्लो मास्क, आज लगाती हूँ, सुबह बताऊँगी कि कैसा लग रहा है, ठीक है। ये हो गया तीसरा प्रोडक्ट। और चौथा प्रोडक्ट, भैया उम्र हो रही है, तो ये है रेटिनॉल नाइट सीरम। वैसे मैं रेटिनॉल जो यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ, कौन सी ब्रांड है, रीक्विल का, उसका रेटिनॉल क्रीम बहुत अच्छा है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। अभी मैं यूज़ करती हूँ 0.1%, और कुछ टाइम के बाद, क्योंकि मेरे 0.1% सूट कर रहा है, तो मैं 0.3% भी स्टार्ट करूँगी। तो ये है रेटिनॉल नाइट सीरम, रिड्यूसेस फाइन लाइंस रिंकल्स मेक स्किन फर्मर। इसमें 0.15% रेटिनॉल है, ओके। कोकुम बटर है, 30 ml है ये, एंड ये हर स्किन टाइप के लिए है। तो ये भी ज़रा खोल के देखते हैं, ये है ऐसा, भैया पता नहीं देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है इनके प्रोडक्ट्स के कलर्स, पैकेजिंग इतनी अच्छी है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। जो अब मैं बताती हूँ इसके साथ फ्री प्रोडक्ट्स मुझे क्या मिले। इसके साथ मुझे मिले हैं ये दो डेली डू इट क्लेंजर्स, मतलब फेस वॉश है, मेकअप रिमूव भी करेगा फेस वॉश। ये दो सैशे मिले हैं, ये है, ये एक परफ्यूम सैम्पल मिला है, और एक ये इनका नया लॉन्च हुआ है बॉडी वॉश।
तो ये भी सैम्पल है तो ठीक है, इट्स ओके। मतलब दो प्रोडक्ट्स की जगह मतलब मुझे चार प्रोडक्ट्स मिले, उसके अलावा मुझे दो एक दो तीन चार चार सैम्पल प्रोडक्ट्स मिले, तो आई थिंक इट इज़ फेयर इनफ। उसके बाद ये सब शॉपिंग आज मैंने कर लिया, उसके बाद आज हम गए होम सेंटर। मैं बहुत ज़माने के बाद होम सेंटर गई हूँ, क्यों? क्योंकि भाई दूर जा रहा है तो मैंने अपने भाइयों के लिए तो सामान ले लिया था। अब ये बाकी और दो गिफ्ट्स हैं, मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि मेरी भाभियाँ भी ये वीडियो देखेंगी तो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए मैंने क्या लिया है। ठीक है, तो मैंने भाइयों के लिए भी जो बताया वो अभी नहीं लिया, और राखी वाले ब्लॉग में बताऊंगी कि मैंने क्या लिया है। तो ये दो अलग से मैंने गिफ्ट पैक करा रखे हैं। बाकी मैं आपको बताती हूँ, होम सेंटर पे ना आज क्या था, एक ऑफर चल रहा था कि आप 2000 से ऊपर का सामान लोगे तो आपको एक तो मतलब, और आप मेंबरशिप लो, 1000 रुपये की उनकी मेंबरशिप है, वो लोगे तो आपको हर 2 महीने में आपको कोई गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, आ मेरे को लाइफ स्टाइल के 500 रुपये के कुछ वाउचर्स भी मिले हैं, और एक डोसा तवा मिला है जो बड़ा स्मार्ट सा है। तो 2000 रुपये की मेरी शॉपिंग हो गई थी, जिसमें से मैंने एक तो ये घर के लिए तीन वॉशरूम्स हैं, तीनों वॉशरूम्स के ये तीन सेट, ये तीन वाला सेट लिया है, जिसमें एक ये हैंड वॉश है, ये कप है फॉर कप होल्डर है जिसके अंदर ब्रशेस वगैरह डालते हो, और ये ट्रे है। तो ये तीनों वॉशरूम्स के लिए लिया मैंने। मैं लेने नहीं वाली थी, मेरे को था अभी जब तक चल रहे हैं पुराने वाले चल रहे हैं, और मैंने ये दो क्यूट सी बॉटल्स लिए, एक अपने लिए और एक अपनी छोटी बहन के लिए बॉटल ली है। ठीक है, मैंने कहा उसको भी जाके दे दूँगी जब अभी राखी पर जाऊँगी। तो बाकी उसने बहुत सारा सामान अलग है, मैं तवा दिखाती हूँ। तवा बहुत एक्चुअली सुंदर मिला मुझे, ठीक है, एंड इट वॉज़ रियली वेरी नाइस ऑनेस्टली। वो देख के मुझे लगा था कि मेरे को वैसे खरीदना हो ना, मेरा तवा थोड़ा सा पुराना आ रहा है, मैं वो दिखाती हूँ तवा। तो ये रहा वो तवा जो हमें मिला है, ठीक है, और ये मैं चेक करके लाई थी क्योंकि मेरा होम सेंटर के साथ 2 बार ऐसा हुआ है। एक बार मैंने अपनी राखी या भाई दूज था तो मैंने ना तीन बोल्स के सेट लिए थे दोनों भाइयों को देने के लिए, और जैसे तीन सेरेमिक बोल्स हैं उनके साथ उनके जार उनकी लिड्स आती हैं, तो मैंने चेक नहीं किया। मेरी भाभी ने भी कुछ टाइम के बाद खोला, हम जनरली होते हैं ना राखी की शॉपिंग 15-20 दिन पहले ही कर लो, महीना पहले कर लो, वो वाली हिसाब किताब था, मैंने भी कर लिया, मैंने चेक भी नहीं किया था। उन्होंने खोला भी 2-3 महीने के बाद, और उनको पता चला कि वो तीन की जगह उसमें दो ही बोल थे। और मैं बताती हूँ, मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे अपने लिए सूप बोल्स के सेट लिए थे, इतने सुंदर मैं दिखाऊंगी, ठीक है, और मैंने लिए थे 12 12 लिए थे। और जब मैंने घर मैंने खोले नहीं तब खोले तब जब गेस्ट आने थे, मैंने ये सोच के लिए थे कि मेरे क्योंकि क्रिसमस पार्टी आ रही थी, तो क्रिसमस पार्टी पे मैं अपने घर में, मेरे को क्रिसमस बहुत पसंद है, तो क्रिसमस पे मुझे पार्टी करनी थी अपने, मेरी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह किसी ने आना था, तो मैंने इसलिए 12 का सेट लिया था, चार 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 करके 3 बॉक्स लिए थे। मैंने तब तो देखा नहीं, जब पार्टी वाले दिन मैंने खोला तो उसमें एक में एक कप मग कम था, तो इसलिए ना मेरा अब होम सेंटर के ऊपर हो गया कि भैया पहले खोल के चेक करो, उसके बाद मैं घर लेके जाऊँगी सामान, मैं पहले नहीं लेके जाऊँगी। तो ये ख़रीदा था तवा, जो सॉरी ख़रीदा नहीं है, जो ये मुझे मेम्बरशिप की जैसे आज फ्री मिला है तवा, और ये है डोसा तवा, मेरा वैसे ही पुराना हो रहा है, तो अच्छी बात है नया आ गया। और अगले महीने भी हर 2 महीने में गिफ्ट आएगा, तो मुझे होम सेंटर के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। ठीक है, ये मत सोचना मुझे होम सेंटर वालों ने पैसे दिए, भैया होम सेंटर बहुत पैसे वाले हैं, और हम एक छोटे से इन्फ्लुएंसर हैं, छोटे से इन्फ्लुएंसर भी मैं क्या बोलूँगी, छोटे से ब्लॉगर हैं, तो मुझे कोई उन्होंने पैसे वैसे नहीं दिए, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि क्या क्या मिल रहा है। भैया मार्केट जाओ और जाके, अगर आपने अभी तक शॉपिंग नहीं करी है तो आप भी जाके शॉपिंग कर लो। तो ये रहा वो तवा, मुझे देख के इसको इतनी खुशी मिल गई थी। ये देखोगे ये कोटिंग वाला तवा है, और ये रहा ये तवा है, बहुत प्यारा है और अच्छा हेवी तवा है। इसका MRP बताऊँ तो MRP कितना है इसका, इसका MRP है, भैया कहाँ लिखा है MRP, 1300 रुपये का है। तो मतलब अगर मैंने 1000 रुपये की भी मेंबरशिप ली तो 1300 रुपये का तो उन्होंने मुझे ये तवा ही दे दिया, और हर 2 महीने में वो गिफ्ट दे रहे हैं जो मतलब अराउंड 1500 रुपीज़ होते हैं, और
उसके अलावा 500 रुपये के लाइफ स्टाइल के वाउचर हो गए, तो मुझे लगा ठीक है यार, मेरे को होम सेंटर से वैसे भी सामान खरीदना बहुत पसंद है, आप मेरे किसी फ्रेंड या रिलेटिव से पूछ लो, खासतौर पे मेरे भाइयों के घर में पूछ लो, उनके भाइयों के और मेरी बहन के घर पे दिवाली हो या फिर किसी के घर में मतलब किसी का कोई फंक्शन वंक्शन हो, मैं होम सेंटर का इतना सामान खरीद के देती हूँ, क्योंकि मुझे होम सेंटर के प्रोडक्ट्स कुछ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये था मेरा होम सेंटर की शॉपिंग, ये भाई। और मैंने फिर से बोला मैं नहीं दिखाऊंगी कि मैंने अपने भाइयों के लिए क्या दिया, वो मैं अपने राखी वाले ब्लॉग में बताऊंगी। तो ये था आज का एक छोटा सा शॉपिंग ब्लॉग, हमने क्या क्या ख़रीदा। मैंने फॉक्सटेल से एक और ऑर्डर प्लेस किया है, जिसके अंदर जैसे मैंने बोला कि मैंने ये तो प्रोडक्ट दोबारा ऑर्डर किया है, उसके अलावा मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है वो जब आ जाएगा मैं तब दिखाऊंगी। अब अगले महीने ना मेरे बेटे का बर्थडे है, और ये शिफ्टिंग वेकेशन और ये सब बाहर का खाना खा के मेरा वज़न एक्चुअली पता है कितना हो गया, 63.4 kgs मैंने कल ही चेक किया, और ना देख के मेरा ऐसे मेरी हार्ट बीट ही ऊपर नीचे हो गई थी कि भैया इतना वज़न हो गया मेरा, इतना वज़न तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा है। तो अब मैंने कल से सोचा है कि मैं थोड़ा डाइट पर जाती हूँ, मैंने कुछ चीज़ें ऐड करनी है कल से रूटीन में, मतलब मैंने ट्राई टेस्ट कर लिया अभी बीच में, तो मैं कल से वो जर्नी अब आपके सबके साथ अपडेट करूँगी और देखते हैं कि मेरा वज़न कितना कम होता है और क्या क्या चीज़ें मतलब हम लोगों को सूट करती हैं कि नहीं करती हैं। तो आप भी उस हिसाब से ट्राई कर सकते हो, मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें ट्राई करने वाली हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली मेरा छोटा बच्चा है, मेरे पास अभी जिम जाने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, पीछे से मैं अभी नानी के पास ज़्यादा बच्चे को छोड़ के जाना इतना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैंने अभी नानी रखी भी नहीं है नए घर में आके, पुराने घर में हमारे पास थी, पर अभी क्योंकि मुझे हाँ ऑलमोस्ट 1.5 महीना ही हुआ है, तो मुझे ना अभी विश्वास भी नहीं होता जल्दी से लोगों पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी कोई नानी भी नहीं रखी है यहाँ पे, मैंने मेड रखी है, और मतलब भी यहाँ थोड़ा सोसाइटी में मुझे एडजस्टमेंट हो जाए, और मतलब वैसे भी आई वॉज थिंकिंग कि मैं शिफाई को नेक्स्ट मंथ उसका सेकेंड बर्थडे हो जाए उसके बाद उसको प्ले स्कूल में डालूँ, ताकि वो थोड़ा सा इंटरेक्ट करे, क्योंकि वरना ना वो मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा चिपकता है, वो मतलब मेरे बिना सोना नहीं है, वैसे सो जाएगा ये नहीं, पर मतलब मम्मा पास चलो होते हैं शायद मेरे ख्याल से, जो बच्चे अकेले होते हैं घर पे और पापा कम दिखते हैं, क्योंकि पापा रात को आते हैं, मम्मी सारा दिन होती है, मम्मी सारे टैंट्रम्स झेलती है, मम्मी एंड में थक हार के कहती है अच्छा ठीक है खा लो, जो तुम्हें खाना तुम पेट भर लो बस, ठीक है। तो वो सब करके वो ना थोड़ा चिपकू हो गया, इसलिए मैंने सोचा उसको मैं प्ले स्कूल में डाल के देखूँ, तो वो थोड़ा बच्चों से इंटरेक्ट करेगा, तो थोड़ा सा यू नो मम्मी से अपनी चिपकना थोड़ा कम करेगा। प्योर मम्माज़ बॉय बन चुका है मेरा बेटा, प्योर मम्माज़ बॉय, मम्माज़ के हाथ से ही खाना है, मम्मा के हाथ से ही लेना है, तो मतलब आई हैव टू वर्क ऑन दैट एज़ वेल। तो भैया ये था, भैया बहुत बोलती हूँ मैं, तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारी वेट लॉस जर्नी। और मेरे बाल देखोगे तो मेरे बाल ना बहुत यहाँ आके मैंने कोई ढंग से ऑयलिंग नहीं करी है, मेरे बाल बहुत ड्राई भी हो रहे हैं, तो कल से रोज़मेरी वाटर वगैरह भी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा रोज़मेरी वाटर का वीडियो नहीं देखा है हेयर ग्रोथ के लिए और अच्छे डीप कंडीशनिंग हेयर के लिए, तो प्लीज़ वो भी देखना। कल मैं वैसे एक शॉर्ट्स डालूंगी कि मैं रोज़मेरी वाटर दोबारा बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ देख लेना, और कल मिलते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।